अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश हुसैन। तो इस वीडियो में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं, फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये फंक्शन रिकर्जन को हमें स्टडी करना था, बट हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन को लेकर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे कि फंक्शन रिव्यू हो जाए, है ना, रिवाइज हो जाए। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, फंक्शन हम लोग बनाते हैं ना, फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। रिटर्न वैल्यू फंक्शन में हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी, कभी कॉन्सेप्ट है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो सकते हैं, हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं, मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि कीवर्ड आर्गुमेंट से हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा आर्बिट्री आर्गुमेंट, ओके, जिसमें हम लोग सिंगल स्टार देते हैं। उसके बाद हमने देखा आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट, जिसमें हम लोग डबल स्टार का यूज करते हैं। अब आज हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से एक फाइल 20 में क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर फाइल मैंने 20 क्रिएट कर ली। देखिए, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपने खुद से फाइंड आउट कर ली हो और खुद से सॉल्व कर ली हो, ओके। बट अगर नहीं की है तो आप इसको देख सकते हैं कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम उसमें फंक्शन का भी यूज करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि प्राइम नंबर निकालना है कि कोई नंबर, हमें ये पता करना है कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, है ना। फाइंड अ प्राइम नंबर समथिंग, तो हमें ये पता करना है। जैसे कि प्राइम नंबर, तो हमें ये पता करना है कोई नंबर हम उसे पास करें और वो हमें बता दे कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर एक बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट है। प्राइम नंबर में क्या होता है कि अगर कोई नंबर वंस टू से लेकर और अपने एक कम तक, जैसे कि 13 की बात करें तो 2 से लेकर 12 तक किसी से भी डिवाइड नहीं है, तो इट मीन्स इट्स अ प्राइम नंबर। अगर बीच में किसी से डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम 15 की बात करें तो हम सबसे पहले 2 से लेकर 14 तक चेक करेंगे। 2 से चेक करेंगे, 14 डिवाइड नहीं हुआ। 2 से 15 डिवाइड नहीं हुआ, और 3 से करेंगे, 15 डिवाइड हो गया। इट मीन्स 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का सेम कॉन्सेप्ट है, अगर डिवाइड हो जाता है तो नहीं है, नहीं होता है तो प्राइम नंबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यूजर से इनपुट कर लेते हैं। प्लीज प्लीज एंटर एनी नंबर, यहाँ पर हमने नंबर कर लिया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हम लोग सिंपल ऐसे ही करते हैं, ओके। तो यहाँ पर नंबर ले लिया हमने। अब इसे हमें, जो यूजर ने इनपुट नंबर किया है उसे फाइंड आउट करना है कि इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट। तो देखिए कैसे लॉजिक लगाएंगे हम, यहाँ पर लॉजिक लगाने वाले हैं व्हाइल, एक लूप लगाएंगे। कहाँ से, 2 से लेकर less than 1 तक ये लूप चलाएंगे ना, क्योंकि 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, ऐसे करके हम सोन करते रहेंगे। तो एक हमारे पास लूप होना चाहिए, आई इज इक्वल टू 2 से लेकर एंड आई इज लेस देन एन देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लेस देन 1 तक चल जाएगा। अगर मैंने 15 डाला तो ये 14 तक चलेगा, अगर 13 डाला तो 12 तक चलेगा, ओके। तो यहाँ पर लूप हमारा रन हो गया, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने आई प्रिंट करा दिया, आई इज इक्वल टू i+1, तो ये हमारा लूप चल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं कि लूप हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओके। वैसे तो हम लोग ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इनपुट नंबर 15 करते हैं ना, तो ये लूप चल गया, देखिए 2 से लेकर 14 तक चल गया। बस अब हमारा, हमें क्या करना है, आगे का कोड लिखना है, आगे का लॉजिक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ ये जो नंबर है एन, सबसे पहले आई क्या होगा, 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे सोन चलता रहेगा ये लूप से। तो हम लोग चेक करेंगे हर बार, जब भी आई की वैल्यू जो भी होगी उसको हम चेक करेंगे, एन को डिवाइड करेंगे किससे, आई से, और मॉड निकालेंगे। मॉड मीन्स अगर रिमाइंडर जीरो आता है, रिमाइंडर जीरो आता है इट मीन्स डिवाइड हो चुका है,
और रिमाइंडर जीरो नहीं आता है किसी हर नंबर के लिए, तो इट मींस डिवाइड नहीं हुआ वो किसी नंबर से। तो जैसे ही रिमाइंडर जीरो आता है, इट मींस ये प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड हो गया ना, तो प्राइम नंबर नहीं है। और एल्स के केस में अगर ये पूरा चल जाता है ना, पूरा चल जाता है, तो देखिए हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक फ्लैग ले लेते हैं, या फिर हम लोग ले लेते हैं इज प्राइम, इज प्राइम हम लोग ले लेते हैं ट्रू। तो हमने क्या बोला कि अभी जो हमारा वेरिएबल है इज प्राइम वो ट्रू है, ओके। तो जैसे ही डिवाइड होता है, एन आई से डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, प्राइम को सेट कर देंगे फॉल्स से, ओके, फॉल्स से हमने सेट कर दिया, ओके। अब लूप चल रहा है हमारा, तो देखिए क्या होगा, अगर सपोज हम ऐसा नंबर इनपुट करते हैं 7, तो आई 2 से लेकर 6 तक चलेगा। तो देखिए 7 2 से डिवाइड नहीं है, इसमें नहीं जाएगा, है ना, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है। तो ये जब ये पूरा लूप चल गया तो इसमें कभी नहीं गया, जब इसमें कभी नहीं गया इट मींस ये इस प्राइम जो था वही रहा, मींस इस प्राइम ट्रू था तो ट्रू ही रहा, तो प्राइम ट्रू रहा, इट मींस ट्रू रहा, इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन में कभी नहीं गया, इस कंडीशन में नहीं गया, इसका मतलब यह है कि ये किसी से डिवाइड नहीं हुआ, किसी से डिवाइड नहीं हुआ, इट मींस ये प्राइम नंबर है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर कह देंगे, इस लूप घूमने के बाद हम लोग कह देंगे, इस प्राइम ट्रू है तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज प्राइम, ओके। और अदरवाइज एल्स के केस में हम लोग दे देंगे नंबर इज नॉट प्राइम, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओके। तो अगर सपोज हम ऐसा नंबर डालते हैं जो प्राइम नहीं है, मतलब जैसे 9 डाल दिया मैंने, तो एक लूप चलेगा 2 से लेकर 8 तक। तो देखिए 9 2 से डिवाइड तो नहीं है, तो आगे बढ़ेगा, बट 3 हो गया है कि वैल्यू, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। जब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इफ कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला जब एग्जीक्यूट होगा तो ये इस प्राइम क्या हो जाएगा, फॉल्स, लास्ट में यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर फॉल्स मिला, इस मीन्स ये इफ में कहीं भी एंटर हुआ है, जब इफ में एंटर हुआ है तो प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लेंगे बाद में कि अगर ट्रू मिलता है, इस मीन्स इसमें कहीं नहीं गया है तो प्राइम है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो इसको देखिए, मैं यहाँ पर रन करता हूँ, इसको मैंने नंबर डाल दिया 15, तो नंबर इज नॉट प्राइम विच इज़ नॉट प्राइम, ओके। एंड अगर मैं दोबारा रन करता हूँ, ऐसा नंबर डालता हूँ जो कि प्राइम है, तो बता देगा नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। तो हमने यहाँ पर ऐसे इसको कर लिया। तो अब देखिए, मैं इसको अगर डिबग कराता हूँ यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ, ओके। और यहाँ पर तो अब सेम ही है, तो मैं यहाँ पर इसको डिबग करा देता हूँ और यहाँ पर नंबर लगा देता हूँ कितना, सपोज मैंने डाल दिया 7 डाल दिया ना। तो देखिए एन सबसे पहले 7 है, ये वाली लाइन रन होगी, तो आई इज इक्वल टू 2, इस प्राइम कितना है ट्रू। अब देखिए 7 के लिए ये लूप चला 2 से लेकर 6 तक, तो कंडीशन इसमें गया ही नहीं, कभी नहीं जा रहा, तो इसके अंदर नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा, ये चलता जाएगा, आई इज इक्वल टू 6 होगा तब भी नहीं गया, 7 के लिए लूप फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें गया ही नहीं, जब इसमें गया ही नहीं तो इस प्राइम कितना है ट्रू है, तो फाइनली ये नंबर दे देगा ट्रू। अच्छा, ऐसा कोई नंबर डालता हूँ जो है, यहाँ फिर से डिबग कराता हूँ मैं, और जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर मैं डालता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले नंबर मांगेगा, सपोज मैं 9 डालता हूँ, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले i = 2, n = 9, i = 2, prime = true हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये 2 से लेकर 8 तक लूप चलेगा, सिंपल 2
टू से तो नहीं हुआ ए डिवाइड, ये वाली कंडीशन टू से डिवाइड नहीं हुई, अब आई की वैल्यू थ्री हो गई, बट ये थ्री से डिवाइड हो गया नाइन, है ना। जब थ्री से डिवाइड हो गया तो इसमें जाएगा, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स हो गया इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये हमारा लूप पूरा चलेगा, लूप तो पूरा चलेगा जब तक ये लूप फॉल्स नहीं हो जाएगा। तो क्यों ना इस लूप को ना चलाया जाए, क्योंकि जब इसमें चला गया वंस इस इफ में चला गया इट मीन्स इट्स नॉट प्राइम, जब नॉट नॉट प्राइम होगी बात तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको लूप को ना चलाएं। तो हम क्या कर दें यहाँ पर, हम यहाँ पर कर दें लूप को ब्रेक कर दें, एंड कर दें लूप को, है ना, ब्रेक बिल्कुल ब्रेक कर दिया। तो क्योंकि आगे चेक करने की नीड नहीं है, बस एक बार डिवाइड हो गया तो आगे हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, तो लूप को ब्रेक कर दें। लूप को ब्रेक करने के बाद हम इस प्राइम को यहाँ पर देख लें कि प्राइम नंबर लूप ब्रेक हुआ होगा तो प्राइम फॉल्स होगा, तो हम लोगों को लूप ब्रेक करने की नीड है। अगर लूप ब्रेक नहीं करेंगे तब भी चेक हो जाएगा, बट ये लूप चलता रहेगा। ओके, अच्छा एक बात और आती है कि हम लोगों को ये पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 13 को देखना चाहता हूँ तो 2 से 12 तक देखने की ज़रूरत नहीं है, है ना, 2 से 12 देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस 2 से 6 तक ही देख सकता हूँ, है ना, मतलब हाफ नंबर देख लूँ बस काफ़ी है, इनफ है। अगर हाफ तक नहीं तो आगे वैसे भी नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं हाफ कर दूँ तो आपसे क्या होगा, बस लूप कम बार चलेगा, बाकी तो मतलब सेम ही रहेगा। तो आप ऐसे कर भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो हमने सिंपल एक एक प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम लिखा है, तो इसमें हमने कहीं भी हमने फंक्शन का यूज़ नहीं किया, बट हम लोग वाइल का यूज़ कर रहे हैं, इफ़ का यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं। अगर देखिए फिर से एक प्राइम नंबर निकालना है प्रोग्राम में, तो फिर से मुझे ये कोड यूज़ करना होगा, तो क्यों ना इस प्राइम नंबर के कोड को मैं एक फंक्शन बना लूँ। कैसे फंक्शन बनाऊँगा, ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ फंक्शन बना लूँ, टैब चेक चेक नंबर, एक मैंने उसका नेम दे दिया, और देखिए यहाँ पर ऐसे देते हैं, और यहाँ पर मैं नंबर पास करूँ, ये नंबर पास करेगा, यहाँ पर देखिए नंबर पास करेगा, और ये वाला कोड जो है मैं उठाकर यहाँ रख दूँ इसमें, इसकी फंक्शन की बॉडी में, ये बॉडी ऐसे बनेगी, देखिए यहाँ पर बॉडी में मैंने रख दिया, लूप ये चलता जाएगा और लास्ट में ब्रेक हो जाएगा, लास्ट में मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँ इस प्राइम रिटर्न कर दिया। ओके, तो ये एक फंक्शन बन चुका है जो क्या करेगा, एक नंबर एक्सेप्ट लेगा, नंबर लेगा और जो रिटर्न में क्या करेगा, या तो इस प्राइम कर देगा, इस प्राइम की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू है इट मींस इट्स अ प्राइम नंबर, ट्रू नहीं है तो इट्स मींस इट्स अ नॉट प्राइम नंबर। बस ये प्राइम जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा, इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये हमारा नंबर बन चुका है। अब देखो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये चेक करेंगे, ये फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे, और हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से नंबर पास कर देंगे। अगर इसकी ये वैल्यू रिटर्न आती, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लैग ले लें इज इक्वल टू ये, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू आती है इट्स मीन्स इट्स अ प्राइम नंबर, और नहीं आती है तो नॉट प्राइम नंबर। देखिएगा यहाँ पर नंबर 13 डाला मैं, 12 डाला तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, नंबर मैंने यहाँ पर अगर 13 डाला या 17 डाला तो इट्स अ प्राइम नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर। ओके, अच्छा अब देखिए हमारा ये फंक्शन बन चुका है। अब जब ये फंक्शन बन चुका है देन हम लोग इस फंक्शन को कहीं भी यूज़ करें, दोबारा किसी और के लिए यूज़ करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर किसी और के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर दोबारा मुझे कोड राइट करने की नीड नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे ही कर दूँगा। अगर मैं संडेड के लिए करना चाहता हूँ सपोज, दोबारा मैं ऐसे ही कर दूँगा, ये देखिए ये तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर है, इसके लिए ये दोबारा कॉल हो गया। तो आप कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं अगर आप वंस आपने कोई फंक्शन बना लिया है। तो इस प्रोग्राम ने हमने प्राइम नंबर निकालना कैसे है उसको भी देखा, उसमें हमने वाइल का यूज़ किया, इफ़ का यूज़ किया, ब्रेक का भी यूज़ किया, और उस सारे कोड को हमने एक फंक्शन भी बना लिया, सेपरेट फंक्शन बना लिया जिसको हम कभी भी कॉल कर सकते हैं, उसमें हमें जस्ट नंबर पास करना होगा और वो फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमें बार बार प्राइम नंबर के लिए हमें कोड नहीं लिखना होगा। तो फंक्शन बनाने का फ़ायदा आप लोग देख ही चुके होंगे, हम एक बार कोड राइट करते हैं और कितनी बार भी उसको
कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन रिकर्जन को लर्न करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।